अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे भाई। सफर से शुरू करते हैं। इस वक्त माइनस 10 टेम्परेचर पे मैं आपको झील का सफर ऊपर से करवा रहा हूँ। ये झील यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखें झील के ऊपर जो है टोटली बर्फ जो है ना उसने कब्जा किया हुआ है, और इस टाइम बहुत अपनी तो फट रही है। ये देखें ये जो है परिंदे और कैसे गुजारा करते हैं, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि अपनी तो कुल्फी जमती जा रही है। तो क्या बात है यार, ऊपर के नज़ारे जो है ना, मेरे इर्द गिर्द देखें, ये मेरे जस्ट अबाउट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे आगे ये शुरू होती है झील। ये पूरी ऊपर से फुली कवर्ड है, ये देख ले। बाकी भी देखते जाएं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा। ये इसके करीब एक सोसाइटी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, जो लोग रहते होंगे, बहुत पीस एंड नाइस एंड क्वाइट जगह पे है ये। ये देखें, ये पानी के ऊपर एक पर्त है जो ग्लास की बन गई है बर्फ से। ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे ये एक जमीन है, एक फर्श है कुछ। तो ये देखें, ये देखें, ये दरख्तों के ऊपर जो है इतने प्यारा जो है ना वो बर्फ जमी हुई है। और ये देखें, ये परिंदे जो है इनका नज़ारा, क्या बात है यार। ये देखें कि ये साथ ही आगे डक्स जो हैं वो अपना इतनी ठंडे पानी में पता नहीं कैसे सरवाइव कर ले। अल्लाह पाक ने क्या इनको दी होती है ताकत। ये ग्लासगो का बाहर का एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ग्लासगो वाला एरिया जो आगे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ग्लासगो का एरिया है। तो मैं थोड़ा सा ना मतलब कुछ माइल्स 10-15 माइल्स जो है ना वो ग्लासगो से बाहर हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल ही एक लेक के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और साइडों से ये देखें आप, और ये छोटा सा जजीरा टाइप उसको कह सकते हैं, आइलैंड इनके सेंटर में बना हुआ है, साइडों पे पानी है सारा और पानी जमा हुआ है। लें जी, अब जो है आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। आज मैं अपने बच्चों को खाना डालने आया था, लेकिन ये जेंटलमैन ने कहा कि इनको आप डालें ना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे साइन लगे हुए हैं। तो और लोगों ने इनको डाला, तो दाना डाला, तो वो इनको फ्लू हुआ हुआ है, उसकी वजह से वो मर गए हैं, 10-12 मन मर गए हैं। तो अब जो है वो इनको ये खाना नहीं दे सकते। ये देखें, ये खाना जो है ना यहाँ पे पूरा जो है ना लाया गया था इनके लिए, तो अब इनको डाल नहीं सकते क्योंकि इनकी जान तो नहीं ले सकते ना। तो ये देखें, ये ऊपर उड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चों को उन्होंने कहा नहीं डालना इधर, इनको परिंदों को डाल सकते हैं ये जो है, लेकिन अभी सली कर लेते हैं। ये ना हो कि पुलिस आए हो कहे कि भाई जी आपके हाथ किधर हैं, तो आपको जो है ना वो कफ लगाएं। गाइस ये देखें, मुझे इन पे तरस आ रहा है कि जो है ना ये बेचारे मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको कुछ दे नहीं पा रहा। तो मैं तो यार इनके लिए ही आया था, और इनको ही मैं देने आया था कि इनको थोड़ा सा खाना पीना खिलाया जाए, लेकिन अलबत्ता इनका रिस्क नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है ये अगर इनको कुछ दिया तो वो इकट्ठे होंगे, तो फिर वो फ्लू इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लोग ज़्यादा बर्ड जो है ना वो मरेंगे।
तो इससे बेहतर है कि मैंने यही किया कि इनको ना कुछ खिलाया जाए। तो अब जो है इनको कुछ नहीं खिला रहे, तो उसके चक्कर में मेरे दिल में ना अजीब गरीब हो रहा। ये देखें, ये इसका इसका भी हालत क्या हो गई। हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, कोल्ड हो गए हैंडी, कोल्ड हो गए। ठीक है गाइस, इस वक्त माइनस टेम्परेचर चल रहा है, -10 टेम्परेचर चल रहा है। हैंड जो है ना फ्रीज हो गए हैं, लगता है साफ है ही नहीं। तो ये देखें जी, अल्लाह की कुदरत, ये देखें, ये बर्फ़ के ऊपर ऐसे चल रही हैं जैसे इनके लिए नॉर्मल बात हो। ये देखें रास्ते जो है, पत्ते और सब जो है ना वो फुली कवर्ड हैं जी आइस से। अभी ये झील आपको दिखा रहे हैं, ये झील जो है ना, ये पानी होता है यहाँ पे। अब -10 टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये देखें ये इस तरह की होगी। ये देखें, ये पूरी एक परत जमी हुई है बर्फ़ की, और ये देखें सब जो है ना, ये देखें पौधे भी जो देखें बिल्कुल जो है ना जमा हुआ, हर चीज़ जमी हुई है। ऐसे है जैसे ये ग्लासगो है ही नहीं, ये किसी आइलैंड पे आए हुए हैं आप। ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है आपको। मैंने तो अपनी 10 साल की ज़िंदगी में ग्लासगो में ये पहली दफ़ा ही देखा इतनी ठंड। तो ये देखें, ये वीरान पड़े हुए हैं बच्चों के झूले। ये देखें बिल्कुल वीरान, देखें ये बिल्कुल वीरान है जी। इसी ठंडे मौसम के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। अपने हाथ, नाक, मुंह, उंगलियां सब जम गई हैं, तो अब और नहीं हिम्मत पड़ती कि और यहाँ पे ठहर जाए। घर जाते हैं, चाय पीते हैं, मज़े करते हैं। अल्लाह हाफिज़।